नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। चलिए बात करते हैं सासाराम लोकसभा चुनाव की। अभी हम चुनावी दौरे पे निकले हुए हैं और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सातवां चरण अभी आने वाला है, उसके पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा जी। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मुख्य कारण क्या होगा और क्या परिस्थिति रही पिछले 6 चरणों की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 6 चरणों का क्या स्थिति रहा आपका? बहुत बढ़िया, पहले से अच्छा। और ऐसे राज्य जहाँ पर कि हम बिल्कुल, हमारा खाता नहीं खुला था, लगभग सभी राज्यों से हमारे सांसद इस बार आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर, दूसरी तरफ बात करें बिहार की, तो बिहार में जब चारों तरफ तेजस्वी यादव निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि 6 चरण हमारे पाले में जा रहा है और एनडीए कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उनसे पूछिए ना, वो सीट कितना लड़ रहे हैं। 40 सीट की बात कर रहे हैं, 40 सीटों की वो कह रहे हैं कि हमारा पकड़ मजबूत है और हम जीतने वाले, 40 सीट महागठबंधन के पाले में जाएगी। अब 40 में 4 उनको मिल जाए तो बहुत है, 1-0 वो घटा दे, 40 में 4 उनको मिल जाए तो उनको संतोष करना चाहिए। क्या लगता है सर, यहाँ का माहौल क्या है, सासाराम, बक्सर और ये आरा, ये सब का माहौल क्या लग रहा है इस एरिया? सारी सीटें जीत रहे हैं। सातवें चरण में शायद ही कोई ऐसी सीट है जिसको कि जहां कोई कंटेस्ट भी है, कोई कंटेस्ट भी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ महागठबंधन एक और आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, विकास तो गिनवा ही नहीं रहे, राष्ट्रवाद पे लड़ाई हो रही है। आप जो बात करिएगा उसी पे हम बात करेंगे ना। हमने तो विकास के आंकड़े दिए, विकास की स्कीमें बताई, सारे बात बताए, तो अब आप जो है चौकीदार चोर है का नारा लगाइएगा तो उसका जवाब तो ये है ना कि हम कहेंगे कि मैं भी चौकीदार हूँ। ये तो स्तर गिराने का काम विपक्ष कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ इससे, ये नहीं होना चाहिए। बक्सर में क्या लगता है, सोनी चौबे और वहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन दोनों की कैसी टक्कर मानते हैं? क्योंकि सोनी नहीं, दोनों ही अच्छे प्रत्याशी हैं, दोनों की टक्कर अच्छी है, लेकिन मोदी फैक्टर अश्विनी चौबे के पक्ष में है, इसलिए अश्विनी चौबे ही जीते। जब मैं सर्वे करने वहाँ निकला था तो काफी सारे बोल रहे कि अश्विनी चौबे काम नहीं किया है लेकिन मोदी पे वोट मिल जाएगा, ये लगता है आपको? ऐसा कई जगह पे हो रहा है, क्योंकि मैं कई क्षेत्रों में गया, मुझे भी ऐसी फीडबैक सामान्य जनता से मिली कि सांसद के कामों से भले ही वो प्रसन्न ना हो लेकिन केंद्र में वो मोदी के अलावे कोई दूसरे प्रधानमंत्री को स्वीकार करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सर, काराकाट का है, काराकाट में क्या लगता है, महाबली सिंह या फिर? मैंने कहा ना कि सातवें चरण की सारी सीटें जो बिहार की हैं हम जीत रहे हैं। आरा में आरके सिंह के लिए जा रहे हैं कि नहीं आप? बहुत बिल्कुल, मैं वहीं से आ रहा हूँ, कल वहीं था, आज रात को फिर वहाँ सभा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत विकास हुआ है आरा क्षेत्र का, वो बिल्कुल निश्चित रूप से। दूसरी तरफ सर, आप आरा के भी हैं और दूसरी तरफ राजू यादव कह रहे हैं कि मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ, वो तो बाहर के प्रत्याशी हैं तो हम कैसे वो हमको टक्कर दे पाएंगे, और दूसरी तरफ राजद भी हमें समर्थन कर रहा था, उनका भी वोट बैंक में हमारे तरफ आ गया। वो किसानों के प्रत्याशी नहीं, वो किसानों के विरोधी, और किसान सतर्क हो गए हैं और इसीलिए वहाँ अब किसी तरह का तेजस्वी यादव या किसी भी तरह की जात पात किसी, कल मेरे पास एक कुशवाहा जी आए थे, उन्होंने कहा कि ई तो हमने के बहुत परेशान करी, एक के तो जमाना जब्त कराओ एक बार। ये कौन तो कुशवाहा जी, नाम थोड़ी ही बताएंगे हम आप? भगवान सिंह? नहीं नहीं, कोई अच्छे नेता हैं, पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, संदेश थाना के ही हैं, तो वो आए थे हमारे घर पे, आए थे मिलने के लिए। तुमने कहा किधर चले हो, कहा कि नहीं नहीं हम तो गांव-गांव में जाके एको कोई वोट ना दी इनका के। तो ये वहाँ देखिए, सभी लोग शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, बिना जो उन्होंने किया है और माले ने जो भी किया है बिहार में, उससे किसान को कोई
सुख थोड़ी मिला है। ट्विटर पे हमला तेज हो गया है, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं इस समय, राबड़ी देवी भी ट्वीट कर रही हैं, ट्वीट कर करके नियोजित शिक्षक के पक्ष में बात कर रही हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं नहीं बात ठीक है, अगर पक्ष में बात करनी है तो मैं भी बात करूंगा, लेकिन अभी बात करने का क्या अर्थ है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देती है तो जब तक नए मंत्रिमंडल का, नए संसद का गठन नहीं हो जाता है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो बात करने का क्या फायदा? जाते जाते कुछ संदेश दे दीजिए अपने समर्थकों को। नहीं नहीं सभी समर्थक क्या, यहाँ की जनता, मैं शाहबाद का रहने वाला हूँ, बक्सर में मेरा जन्म हुआ, आरा मेरा पैतृक गांव है, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि शाहबाद की समृद्धि हो, शाहबाद आगे बढ़े, शाहबाद के लोग आगे बढ़े, यहाँ हर तरह का विकास हो, तो मैं तो इसी के लिए घूम रहा हूँ शाहबाद में। धन्यवाद सर, समय दिया। तो यहाँ पे तो इन्होंने राज्यसभा सांसद ने साफ तौर पे कह दिया कि सातवें चरण